join my portal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरे से होंगे। एसोसिएट डिग्री साइंस या आर्ट्स, पार्ट वन में आप लोगों की इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स उर्दू मीडियम, ये हमेशा इसकी जिन लोगों के पास बुक है क्वेश्चन बताने लगा हूँ। आप लोग बुक पकड़ लें, उनमें निशान लगाते जाएँ या पेज पकड़ लें, उनमें लिखते जाएँ। कैटेगरी 1, 2, 3, इन तीनों कैटेगरीज़ के स्टूडेंट के लिए मैं गेस्ट पेपर बताने लगा हूँ। कैटेगरी 1 वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं जी। कैटेगरी 1 से मुराद वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बुक ओपन करके देखी नहीं है, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की और पेपर इनके करीब आ गए हैं, अब इन्होंने पास होना है। सिर्फ जो काम बताऊँगा आपको, जो चैप्टर बताऊँगा उन्हें तैयार कर लें। एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर ही आएंगे, पास हो जाएंगे, आप रहते नहीं अगर ये काम अच्छा कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 रियाजियाती माशियात और सेक्शन 2 जुजियाती माशियात। सेक्शन 1 रियाजियाती माशियात की अगर बात की जाए, इसमें आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, इसका जो स्टार्टिंग पहला चैप्टर है, इसमें 2 चीज़ें आपने कर लेनी है। तफाल, तफाल की इकसाम कौन कौन सी हैं, ये सारी इकसाम देख लें, और मुतगैरात, मुतगैरात की मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी, ये सारी देख लें। 10 नंबर का नोट इसमें से वो पूछ लेता होता है। एक काम ये करके फौरी, तो इस काम पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, एक एक बार देखें इनकी डेफिनेशंस और इनकी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, वो ग्राफ श्राफ नहीं बनाने, ठीक है। 3-3 लाइनों, 4-4 लाइनों की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए इनकी डिफरेंट एग्जाम की। फौरी तौर पे चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 2 में आपने एक्सरसाइज 4 तवाज़नी कीमत और तवाज़नी पैदावार, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको देखें। ये पूरी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट तैयार करनी है और इस एक्सरसाइज के बाद मकदार तलब और मकदार रसद पर टैक्सों के असरात, जिस वक्त सारफ पे टैक्स लगाया जाता है, परसेंटेज टैक्स है, फी इकाई, वो प्रोड्यूसर पे लगता है या कंज्यूमर पे लगता है, आपको ये टैक्स अफेक्ट के साथ भी ये सारे आने चाहिए। एग्जाम्पल्स इसकी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम हो गया जी। इसके बाद साथ ही एक्सरसाइज 5 कर लें, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ आपने पहले 10 क्वेश्चन करने हैं, आगे वाले काट दें सारे, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन तो सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट उस मेथड से है, क्वेश्चन 6 से 10 तक वाई बराबर है C+I उस मेथड से हैं, तो ये आपने 10 क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके बाद फौरी तौर पे आपने आ जाना है चैप्टर नंबर 4 पे, आपको मिलेगी एक्सरसाइज 12। एक्सरसाइज 12 में इलास्टिसिटी, लचक, तलब की लचक, रसद की लचक, ये वाले क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, ठीक है जी। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, एक तो सिर्फ तलब की लचक फाइंड करें, एक क्वेश्चन में उसने पूछा भाई रसद की लचक फाइंड करें, जोन से क्वेश्चन में उसने दोनों की लचक पूछी हुई है, वो बोले आपने तैयार कर लेने, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 12 में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 23 तक ये क्वेश्चन बनते हैं। और इसके साथ आप लोग क्या करें, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट चैप्टर में आपको मिलेगी मैथमेटिकल पोर्शन के लास्ट चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 19, ठीक है जी। ये चैप्टर 7 बनता है पाबंदी के तहत, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से अक्सर सवाल निकलता होता है, उस एक्सरसाइज को तैयार करके जाएं। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड है जी, और बस मैथ के पोर्शन में इतना ही आपके लिए। अब आए सेक्शन 2 में जुजियाती माशियात, इसमें सेक्शन 2 आपका चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, जहां से भी स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल पहला चैप्टर है जुजियाती माशियात और इसकी नोयत। इसमें आपने जो जो काम करने हैं फौरी तौर पर उसको निशान लगा लें, इसकी एक्सरसाइज में चले जाएं चैप्टर की। एक तो इश्तराकियत का निज़ाम, इसकी खसूसियात और खामियां, कंप्लीट क्वेश्चन ये तैयार करें। एक सरमायादाराना निज़ाम, इसकी खसूसियात, खामियां या निज़ाम सरमायादारी, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा कीमतों की मकानियत का निज़ाम और इसके मंदरजा ज़ैल पर असरात, वो अंदाज हाय सर्फ पर की वसाइल के तयन पर और ये जितने भी हैं सरमायाकारी के रुख पर वगैरह वगैरह, 6-7 होंगे, तो ये सारे आपने कर लेने हैं। 3 चीज़ें हो गई। 4th नंबर पे इस्लामी माशी निज़ाम, ये भी कंप्लीट तैयार करें आप, और इस्लामी माशी निज़ाम के मंदरजा ज़ैल पर असरात, ये भी अंदाज़े सर्फ पर, पैदावार पर वगैरह वगैरह, ये भी जितने भी हैं ये आपने कर लेने हैं। तो इस चैप्टर में से सिर्फ ये आपने गिनती के 4-5 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक हो गया। बाकी और सारे काट दें, जो नहीं बताए मतलब वो काट दें। क्वेश्चन नंबर भी मैं बता दूं, इतने बाजुकात तो लकीर के फकीर स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर भी सन दसो। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 9, ये आपने, ये वाले 4 क्वेश्चन गिनती के बनते हैं,
जुजियाती माशियात और उसकी नोयत, ठीक हो गया। इसके बाद इसी से वेरी नेक्स्ट चैप्टर है जी, नजरिया रवैया सारफ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन इसने भी आपको लाजमी देना है। इस चैप्टर में भी आपने गिनती की जो चीजें करनी है, एक तो क्वेश्चन नंबर टू, उसमें क्लासिकल का नजरिया रवैया सारफ या कार्डिनल अप्रोच के तहत रवैया सारफ ये बयान करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाजमी देखें। एक आपने देखना है खत अदम तरजीह, ये मुकम्मल देखें। खत अदम तरजीह की खसूसियात ये अलहदा से वो पूछ सकता है, इसको देखें। मुहतदम शर्रा इस्तबदाल जिसे MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये देखें। और कानून तकलील मुहतदम शर्रा इस्तबदाल, ये भी इसी के साथ एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो ये आपने एक काम कर लेना है। साथ आपने इस चैप्टर में, हाँ, असर कीमत असर आमदन ये लाजमी देखने हैं, दोनों असरात। और जिस वक्त आपकी गुड्स नॉर्मल हो, गिफन हो, गटियाँ हो। इसके साथ जो लास्ट क्वेश्चन आपने चैप्टर में से तैयार करना है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, नज़रिया इजहार तरजीह। पॉल ए सिमुलसन ने 1937 में ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, और ये आपने इसको तनकीदी जायजे के साथ तैयार कर लेना है। कैटेगरी वन का काम ख़त्म हुआ, आप लोग वीडियो बंद करें और जाएं पेपर की तैयारी करें। तीन क्वेश्चन आपके कन्फर्म निकल आएंगे, बल्कि चार भी इसमें से आपके हो जाएंगे। अब आते हैं जी कैटेगरी टू। कैटेगरी टू के स्टूडेंट वो कहते हैं जी हमने 5 के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ताकि हम कोई इतना रिस्क ना रहे, कोई एक आधा क्वेश्चन माइंड से स्किप भी हो जाए तो हम कम से कम पास तो हो जाए ना। तो वो लोग क्या करें, कैटेगरी वन के जितने चैप्टर बताए हैं ये तो सारा आप तैयार करेंगे, इसके साथ जो एडिशनल काम आपने रियाजियाती मुआशियात के पोर्शन में से करना है वो चैप्टर नंबर 4 है जी, तफाइल का तफरकी सर। तफाइल का तफरकी सर, इसका मफहूम बयान करें और इसके मुख्तलिफ कायदे कौन कौन से हैं, वो आपने सारा इस पर नोट पर पूछ सकता है, ये सारे आपने देख के जाने हैं। इसके साथ तफरकी सर की एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 11, इसे आप कंप्लीट प्रैक्टिस करके लाजमी जाइएगा, एक तो काम आपका ये हो गया। इसके साथ इसी चैप्टर में एक्सरसाइज 13 और 14 है, जिसमें आपको टोटल कॉस्ट दी होगी, एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, इसी तरह रेवेन्यू गिवन होगा, कुल वसूलियाँ गिवन होंगी, औसत वसूलियाँ, मुख्तम वसूलियाँ, ये आपने फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 14 और 13 ये करके चले जाएं तो ये आपका कैटेगरी 2 का मैथ का काम भी कंप्लीट होगा। अब थ्योरी में आए तो सेक्शन 2 में, उसमें कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स ने क्या करना है जी, चैप्टर नंबर 8 और 9 के अलावा, यानी कि नज़रिया रवैया सारफ और जुज़ियाती माशा, तो इसकी नोयत के अलावा आपने इसी के अगला तीसरा चैप्टर बनता है तलब और तलब की लचक, नज़रिया तलब और नज़रिया तलब की लचक, ये आपने इस चैप्टर में से दो काम तो लाजमी करना है। एक तो तलब की लचक, इसकी पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं, दूसरा आमदनी की लचक से क्या मुराद है, इस पर भी वो नोट पूछ सकता है, और साथ ही साथ तलब की मुतकाते लचक, ये छोटा सा टॉपिक है, आमदनी की लचक, मुतकाते लचक, छोटे छोटे टॉपिक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर इनमें से कोई एक पूछेगा आपसे, 20 नंबर का नहीं ये पूछ सकता, ये काम तैयार करें। इसके साथ इसी से अगला चैप्टर है जी नज़रिया पैदाइश दौलत। नज़रिया पैदाइश दौलत में आपने कानून मुतगैर तनासुबात, एक ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये तैयार कर लेना है। ये चैप्टर नंबर 16 बनता है मेरे ख्याल से, कानून मुतगैर तनासुबात। इसे देखने के बाद आपने जो दूसरा काम तैयार करना है वो है मुहतदम फनी शरा इस्तबदाल, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। इस चैप्टर में सिर्फ ये दो काम करने हैं, और साथ जो लास्ट काम आपने, इस सेक्शन 2 का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 बनता है नज़रिया तकसीम दौलत, इसमें भी सिर्फ दो काम करने हैं। एक तो आपने ये करना है न्यू क्लासिकल का नज़रिया, या न्यू क्लासिकल नज़रिया में रसदो तलब की मदद से आमलीन पैदाइश के मुआवजों का तयन करें, एक तो ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है, और दूसरा काम इसमें से नज़रिया मुख्ततम पैदावारी, इस पे नोट लिखें, ठीक है जी। नज़रिया मुख्ततम पैदावारी इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही होगा, और जो पहले आपको बताया न्यू क्लासिकल का नज़रिया वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये दो क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने हैं, कैटेगरी 2 का काम भी कंप्लीट हुआ, आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। अब आते हैं जी कैटेगरी 3 के स्टूडेंट, जो जिन्होंने काफ़ी अर्सा से तैयारी स्टार्ट की हुई, यार वो अपने मार्क्स और डिग्री के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, वो कहते हैं कि हमारे 80% से या 80 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए हर हाल में, उनको ये चैप्टर जो अब मैं क्वेश्चन या चैप्टर बताने लगा हूँ ये आपको बैकअप का काम देंगे। आपके पास ऑप्शन में भी 3-4 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पेपर में बाज़ अवकात ये होता है कि एक आधा क्वेश्चन माइंड से निकल जाता है, दूसरा फिर वो उस टाइम पे ज़्यादा आपके माइंड में पिक आ जाती है उसकी,
तो वो जोन सा भी आपको क्वेश्चन ठीक लगे उसमें से आप अटेम्प्ट करें, आपके पास चॉइस होगी। तो अब जो आपको बताने लगा हूँ कैटेगरी टू का, तो सारा काम आपने कर लेना है, और इसके साथ जो एडिशनल काम आपने करना है रियाजियाती मुआशियात के पोर्शन में, वो आप ऐड कर लें। एक तो चैप्टर नंबर 6, बुलंद तरीन और पस्त तरीन नुकात पर मुआशी इतलाक, इसमें दो ही एक्सरसाइजेज हैं, ये दोनों ही आपने कर लेनी है। 17 और 18, ये दो ही एक्सरसाइजेज हैं इसमें, ये इन दोनों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक हो गया, ये मैथ का काम तो आपका कंप्लीट हुआ। अब उसमें आते हैं सेक्शन 2 में, जुजियाती माशियात वाले में, उसमें भी कैटेगरी 2 वालों का सारा काम आप करके रखें। साथ 3 चैप्टर आपने ऐड करने हैं, एक तो नजरिया साहत तो रवैया मंडी, जिसमें मुकम्मल मुकाबला का टॉपिक है, मुकम्मल मुकाबला देखना है, इसी से अगला अजारादारी वाला टॉपिक है, और उसी से अगला अजारादाराना मुकाबला है। अजारादारी और अजारादाराना मुकाबला में तो एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन ही आपने करना है। पहला पहला क्वेश्चन, अजारादारी से क्या मुराद है, इसकी इकसाम बयान करें, और अरसा कलील और अरसा तवील में इसके तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें बताएं। इसी तरह अजारा दराना मुकाबला जोन सा है, उसमें भी आपने यही तैयार करना है, अजारा दराना मुकाबला से क्या मुराद है, अरसा कलील और तवील में इसका तवाज़ुन वो बयान करें। और जो चैप्टर नंबर 18 आपका बनता है नजरिया साख्त और रवैया मंडी, इसमें आपने 3 चीज़ें करनी है, एक तो मुकम्मल मुकाबला से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात बताएं, अरसा कलील और अरसा तवील में इसकी तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें बताएं। एक तो ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने जो करना है फर्म और सनद का खते रसद अखज करना, एक तो ये काम करना है आपने। और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन होगा अरसा तवील में खते रसद अखज करने की मुख्तलिफ सूरतें कौन कौन सी हैं। ये टोटल 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये काम आपका खत्म। ये इतने क्वेश्चन तैयार करके जाएं, इंशाल्लाह ताला पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। आप वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे ऑनलाइन सेशन कंटिन्यू है, किसी ने ज्वाइन करने हो, खास तौर पे जो ओवरसीज हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर देने हो तो उनके लिए भी हमारे सेपरेट सेशन कंटिन्यू है, और जो पाकिस्तानी है पंजाब यूनिवर्सिटी से या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से पेपर देना चाहते हैं तो वो लोग रابطہ कर सकते हैं। बहुत अच्छे सेशन हमारे, और कुछ सेशन तो मैं खुद टीच करवा रहा हूँ, और कुछ सेशन को बड़ी एक कामयाब मेहनती टीम है वो अटैच है, जो साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, प्रॉपर टेस्ट सिस्टम है, साथ साथ आपको डेली टास्क मिलते हैं, वो अगले दिन चेक करवाने होते हैं। तो ये सारा काम आप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।